नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 18 सितंबर 2023, तो आज का मुख्य विचार है कि अगर आप जिंदगी का सही रास्ता ढूंढ रहे हो तो कभी भी भीड़ के पीछे मत चलना, क्योंकि भीड़ है वो कभी समझदार नहीं होती और समझदारों की कभी भीड़ नहीं होती। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं 18 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 18 सितंबर 1843 को पंजाब के महाराजा दलीप सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे, महाराजा दलीप सिंह को तिलक लगा के उसको गद्दी पर बिठाया गया, राजगद्दी पर बिठाया गया 18 सितंबर 1851 को। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की शुरुआत हुई 18 सितंबर 1883 को। देशभगत मदन लाल ढींगरा का जन्म हुआ 18 सितंबर 1908 को। वनस्पति खोजों के वैज्ञानिक डॉक्टर ए सी जोशी का जन्म हुआ 18 सितंबर 1944 को। प्रजा मंडल, जो पंजाब में एक लहर चली थी प्रजा मंडल, तो उसके जो आगू थे भगवान सिंह लौंगोवाल का देहांत हुआ 18 सितंबर 1962। गदरी बाबा, गदरी लहर जो थी पंजाब की क्रांतिकारी लहर थी, उनके जो आगू थे बाबा हरनाम सिंह टुंडी लाट के नाम से जाना जाता है, तो उनकी मृत्यु हुई। और 18 सितंबर 1978 को तर्कशील रैशनिस्ट सोसाइटी के जो आगू थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, डॉक्टर इब्राहिम टी कावर का देहांत हुआ। तो ये थे 18 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष दिनों की, विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं अंधविश्वासों की। तो सबसे पहले अंधविश्वास फैलते कैसे हैं, ये मैं आपको एक कहानी के रूप में बताने जा रहा हूँ कि अंधविश्वास कैसे फैलते हैं। तो ये कहानी है कि एक औरत को, जो प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, और जब डिलीवरी का समय आया तो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाने के लिए, और उनकी जो सास थी वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी जो गाड़ी लेने के लिए गया हुआ था। तो जैसे ही वो गाड़ी लेकर के आया और बहू को हॉस्पिटल में लेकर जाने की तैयारी हुई, तो घर के आंगन में जो कपड़े सुखाने के लिए एक तार बांधी हुई थी, तो उसके ऊपर एक कौआ बैठा था। और जैसे वो बहू जिसकी डिलीवरी होनी थी वो उस तार के नीचे से गुजरी, तो कौए ने उसके ऊपर पीट कर दी। अब जो सांस थी वो अंधविश्वासी थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा अपशगन हो गया कि अब बहू के ऊपर कौए ने जो थी वो पीट कर दी है, तो अब ज़रूरी है कि ये लड़की पैदा होगी इसके। उसके बेटे ने उसको समझाया कि माँ ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, आप चलिए। और जैसे वो उनको लेकर के हॉस्पिटल में गए, डिलीवरी हुई, तो उस बहू के लड़का पैदा हुआ। तो जैसे लड़का पैदा हुआ तो बेटे ने अपनी माँ को कहा समझाने के लिए कि देख माँ, आप तो ये कह रही थी के बहू के ऊपर कौए ने बीट कर दी, तो लड़की पैदा होगी, लेकिन लड़का पैदा हुआ है। अब लगी आपको कोई बात की समझ, कोई समझ आई आपको इस अंधविश्वास के बारे में? तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, अब मेरे को समझ आ गई है कि जब कोई औरत उसके बच्चा होने वाला हो और डिलीवरी का समय हो, तो अगर उसके ऊपर कौआ पीठ कर दे
तो लड़का पैदा होगा। और मैं अगली बार, दूसरी बार, जब उसका पहला बच्चा था, दूसरी बार जब मेरी बहू प्रेग्नेंट होगी और डिलीवरी केस होगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर कौए से बीट करवाई जाए। तो बेटे ने माथा पीट लिया कि ये तो अंधविश्वास से नहीं निकले। अब इस कहानी का मतलब क्या है कि अब उसके अंदर अंधविश्वास था कि बहू के ऊपर कौए ने पीट कर दी तो लड़की पैदा होगी। अगर लड़की पैदा हो जाती तो उसका विश्वास और जो दृढ़ हो जाता, लेकिन उसके लड़का पैदा हुआ तो उसके अंदर दूसरा विश्वास ने जन्म ले लिया कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर कौआ पीट कर दे तो उसके लड़का पैदा होता है। ऐसे फैलते हैं अंधविश्वास, यानी कि एक घटना के साथ दूसरी घटना का संबंध नहीं होता, लेकिन लोग उसको उस घटना के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये थी अंधविश्वास की कहानी। अब बात करते हैं डॉक्टर इब्राहिम थॉमस काबुर की, जो कि इन अंधविश्वासों से लोगों के निकालने के लिए और अंधविश्वासों के विरुद्ध उन्होंने सारी अपनी पूरा जीवन जो अर्पण कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया उसने, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसने जिंदगी भर, डॉक्टर काबुर ने जिंदगी भर लोगों को अंधविश्वासों की जगह तर्क और दलील से सोचने का एक रास्ता दिखाया और लोगों को सिखाया अंधविश्वास से निकालने के। तो उनका जो जन्म था डॉक्टर इब्राहिम काबुर का, वो 10/4/1897 को तिरुवाला शहर जो है केरला के अंदर, तो वहाँ एक गिरजे के जो पादरी थे रैव काबुर के घर हुआ। उन्होंने जो पहली शिक्षा थी, शुरुआती जो शिक्षा थी, वो उन्हें अपने बाप के स्कूल से ही हासिल की। फिर वो अपने छोटे भाई के साथ कलकत्ते जो था जीव और वनस्पति विज्ञान की विशेषता उन्हें पढ़ाई की और उसकी उसमें विशेषता हासिल की। तो 1928 को लंका के प्रिंसिपल के बुलावे पर वो वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे उन्होंने कॉलेज में एक नौकरी की और डॉक्टर काबुर और उनके भाई जिस समय वो कलकत्ता में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब वो जब अपने गांव तिरुवाला में जाते, शहर में छुट्टियों में जाते, तो जो उनके पड़ोसी थे, जब उनको मालूम पड़ा कि ये हुगली नदी के नज़दीक कलकत्ते के अंदर ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप जब भी आओ वहाँ से तो हमारे लिए गंगा जल लेके आना। तो अब वो पड़ोसियों को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक तर्क और दलील से सोच रहे थे और उनको मालूम था, वो जानते थे कि ये जो नदी का पानी है वे पीने योग्य नहीं है क्योंकि इसके अंदर मुर्दे बहाए जाते हैं या मुर्दों की जो हड्डियाँ हैं वो इसके अंदर बहाई जाती हैं, तो ये पानी है जो मनुष्य के पीने के योग्य नहीं है। लेकिन वो क्या करते, वो पड़ोसियों को निराश भी नहीं करना चाहते और वो उनको मना भी नहीं कर सकते। तो जैसे वो वापसी में आते छुट्टियों के समय में, तो कोटारकरा स्टेशन जो नज़दीक ही था उनके तिरुवाला में, वहाँ से गाड़ी से उतरते और वहाँ से वो पानी की कुछ बोतलें भर लेते, साफ पानी की बोतलें भर लेते, भर के वो अपने काम चले जाते, ले जाते दोनों भाई। और उसके बाद वो पानी जो था वो गंगा जल कह के उनको छोटी छोटी शीशियों में भर के पड़ोसियों को दे देते। अगले वर्ष फिर वो छुट्टी में, जब छुट्टी में आए वो, तो उनको जो गांव की औरतें थीं जिनको वो गंगा जल बता करके एक नल का पानी जो उनको दिया करते थे, साधारण पानी दिया करते थे, तो वो पानी के वो चमत्कार बताती पड़ोसने उनको कि आपने जो गंगा जल ला के दिया था उससे हमारी ये बीमारी ठीक होगी, उससे हमारा ये बीमारी ठीक होगा, हमारा ये काम ठीक हो गया। लेकिन जैसे वो ये बातें बताती तो वो मन ही मन में वो हंसते, आप को उनको तो मालूम था कि ये गंगा जल नहीं है, एक स्टेशन से भरा हुआ नल का पानी है,
तब उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया, लोगों की मानसिकता के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में। तो ये पहली घटना थी उनकी, डॉक्टर कावर के जीवन की, तो जिसने डॉक्टर कावर को इस ओर आकर्षित किया और इस ओर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। तो 1959 में वो वहाँ से सेवा मुक्त हो गए, श्रीलंका से जो नौकरी कर रहे थे। सेवा मुक्त होने के बाद उसने दैवी शक्तियों और मनोवैज्ञानिक चमत्कारों के ऊपर लिखना और बोलना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर लंका की जो रैशनलिस्ट सोसाइटी थी, तर्कशील सोसाइटी थी, उसकी जो संगठन था उसके वो नेता बने, आगू बने, और वो दुनिया के पहले मनोचिकित्सक थे वो, जिसको पीएचडी की डिग्री मिली इन भूतों प्रेतों के ऊपर या इनके ऊपर मनोचिकित्सा करने के, तो पीएचडी की डिग्री मिली। और अमेरिका की मिनेसोटा संस्था ने भी उनको पीएचडी की डिग्री दी। तो डॉक्टर कावर का जो चैलेंज था, दावा था, कि जो व्यक्ति अपने पास रूहानी या अलौकिक शक्तियों का ढोंग करते हैं या शक्तियां होने का दावा करते हैं, या तो वो मनोरोगी हैं, मनोरोग के शिकार हैं, या वो धोखेबाज हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, वो पखंड कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे जो ये जो हमारे समाज में भूत प्रेत आत्माएं ये मतलब जो चल रही हैं, तो लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर भूत का साया है, इसके अंदर प्रेत का साया, असल में ये डॉक्टर कावर ने ही उनकी जांच करके, उनकी पूरी छानबीन करके, तो उनको समझा और लोगों को बताया कि असल में ये मानसिक रोग हैं और उनके पीछे कोई ना कोई कारण काम कर रहा है, और ये जो व्यक्ति हैं वो मानसिक रोगी हैं। तो ऐसे केसों की उन्होंने बहुत सारे सैकड़े केसों की उन्होंने पड़ताल की, और उसने वो अपने वो तजर्बे थे वो अखबारों में और पत्रिकाओं में भी उसने छपवाए हुए उसमें। तो उसके जो उसने इन केसों का जांच पड़ताल की थी, इन्वेस्टिगेशन की थी, और वो केसों को ठीक किया था, उन मरीजों को ठीक किया था जो इस तरह के समस्या के शिकार थे, तो उनके ऊपर एक जो मलयालम फिल्म भी बनी थी, और एक और जो केस था उसके ऊपर तमिल में एक नाटक भी जो लोगों को सामने प्रस्तुत किया गया था, एक नाटक भी तैयार किया गया था और लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। तो उसने आम साधारण लोगों को जो भूत प्रेत और ज्योतिषी हस्तरेखाएँ देखने वाले, ये टूना करने वाले, काले इलम वाले, और ये गैबी शक्तियों के दावे करने वाले, दैवी शक्तियों के दावे करने वाले, चाहे और ऐसे जो लोग थे, उनसे लोगों को, ऐसे लोगों से लोगों को, आम लोगों को, साधारण लोगों को बचाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, मेहनत की, और हमेशा वो इसमें यत्नशील रहे। तो वो जो भूत प्रेत जिनको बताया जाता है, उनको ढूंढने के लिए वो कब्रस्तानों में भी गए, वो उन डरावने स्थानों में, घरों में, उन हवेलियों में, उन खंडरों में, वहाँ पे भी गए वो, और वहाँ पे जाके उन्होंने रातें भी गुजारी, रातों को सोए भी वहाँ पे जाके। तो उस वक्त एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा खौफ था, एक डर था, एक घटना को लेकर के, कि एक जंगल में लोगों में ये था कि जंगल में रात को आग लगती है। तो वो अपने साथियों के साथ उस जंगल में गए देखने के लिए कि उस आग का कारण क्या है, तो कैसी लगती है। तो जैसे ही वो जंगल में रात को पहुंचे, तो वहाँ पे जो सूखे पत्ते पड़े हुए थे नीचे ज़मीन के ऊपर, जो वृक्षों के पत्ते पड़े हुए थे, सूखे हुए पत्ते थे जो, या जो उनके जो छिलका था उनका, तो जैसे देखा कि उनके नीचे एक डालसा नाम का है, जिसको पंजाबी में उल्ली कहते हैं, मेरे को कुछ हिंदी में भी शायद उल्ली कह देते हैं। तो उन्होंने जब बारीकी से उनको देखा, तो वो रात को रोशनी देती थी पत्तों के बीच में से, रोशनी इस तरह रोशनी देती थी जैसे वो लगती थी कि जैसे आग लगी हो,
वैसे वो रोशनी देती थी। तो उसकी भी उन्होंने पड़ताल जांच की और जांच करने के बाद लोगों को बताया कि ये ऐसा नहीं है कि इसके जो सूखे पत्ते हैं उसके नीचे एक डालसा है, वो रात को चमकता है, आग की तरह चमकता है। और उन्होंने हर घटना के पीछे विज्ञान के जो कारण की ढूंढने की और उसको लोगों को सिखाने की, लोगों को बताने की कोशिश की। तो ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण, जो उनकी ज़िंदगी में जो उनके महत्वपूर्ण काम थे करने वाले, तो जिन काम करने के समय को या दिन को लोग अपशगुन मानते थे, उसको बुरा मानते थे, उसने अपने सभी के सभी काम जो थे डॉक्टर कावर ने, वो उन अपशगुन वाले दिनों में या अपशगुन वाले समय पर ही किए, ये लोगों को दिखाने के लिए कि इससे बुरा या अच्छा या बुरा कुछ नहीं हो सकता, जो आप काम करते हैं वो काम आपका होगा। और 1963 में उन्होंने जितने भी ये तांत्रिक बाबा जो से जो भी थे, जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे देवी शक्तियों के, तो उनको चैलेंज करते हुए उनको कहा कि मैं आपको एक लिफाफे में बंद करके एक नोट देता हूँ, एक करेंसी नोट देता हूँ, और आप उसका नंबर बता दीजिए अपनी शक्ति से, अपनी देवी शक्ति से, अपनी गैबी शक्ति से। तो 1,000 से 25,000 रुपये तक का आप इनाम जीतिए। तो पहला इनाम जो था इन दैवी शक्ति के वाले लोगों को, तंत्रों के लिए, उनके लिए, तो डॉक्टर कावर ने रखा था 1,000 से लेकर 25,000 रुपये तक। और दूसरा उनका ये था कि आप एक ऐसी भूत की फोटो जो कैमरे में ली जा सकती हो, और पूरी फोटो, जैसे हम वैसे मनुष्य की फ़ोटो लेते हैं कैमरे में तो वो फ़ोटो आ जाती है, और फ़ोटो बना के हमें जो कैमरा मैन है, जो स्टूडियो वाला है, वो हमको दे देता है, तो ऐसी फ़ोटो बना के भूत की दे दो, और कुछ देर बाद वो फोटो से, फोटो के ऊपर से भूत जो अलोप हो जाए। ये भी एक उन्होंने शर्त रखी। और किसी ऐसे जो हाथ थोड़ा करते हैं या किसी और गैबी शक्ति से किसी का कुछ नुकसान करके, वो बोला कि मेरा नुकसान करके दिखा दे या तो मैं उनको भी ये इनाम दूँ। तो भविष्य बताने वाले, पुनर्जन्म की जो कहानियाँ बताने वाले, तो और जो जितने भी ऐसे वो ढोंगी लोग थे, ऐसे बातों को चमत्कार बना के पेश करते थे, सभी के लिए उन्होंने चुनौती रखी हुई थी, चैलेंज किया हुआ था उनको कि अगर आप ये सब कुछ करके दिखा दो तो मैं आपको इनाम दूँगा। तो इसी के चलते उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, चाहे वो जंगलों में गए, कब्रस्तानों में गए, जहाँ उन्होंने जो केस हल किए, जो कुछ भी उन्होंने किया, तो सबको सबको उन्होंने मतलब या तो पत्रिकाओं में छपवाया, अखबारों में उन्हें दिया वो, और उसका सबका लड़ीवार, फिर उसके बाद उसने एक किताब का रूप दिया उसको, किताबों में लिखा, उन्हें दो किताबें लिखी। तो जो उसका है बी गॉड गॉड मैन, और एक और किताब उन्होंने लिखी थी जो कि उसका पंजाबी और हिंदी में अनुवाद है, और देव पुरुष हार गए, और दूसरी किताब थी उसका दूसरा पार्ट था देव दैंत और आत्माएं। तो ये दो किताबें उन्होंने लिखी और लिख के लोगों को दी उन्होंने। तो ये जो किताबें थी इनकी जो, और पंजाबी में इसका किताब का जो अनुवाद किया गया था पंजाब के अंदर 1984 में, जिसके तहत एक तर्कशील सोसाइटी जो है पंजाब की, जो है रैशनल सोसाइटी पंजाब की, जो वो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे काम कर रही है और एक बहुत बड़ी संस्था बनी, जो वो उसी किताब को पढ़ने के बाद पर। तो उसके चलते अब तक तर्कशील सोसाइटी पंजाब या रैशनल सोसाइटी ऑफ पंजाब आज तक हजारों केस जो ऐसे हैं भूत प्रेतों आत्माओं वाले वो हल कर चुकी है। ऐसी बहुत सारी रहस्यमय घटनाओं को भी हम जो है सुलझाते हैं, जैसे घर में अचानक आग लग गई, बंद अलमारी है उसको ताला लगा हुआ है, उसके अंदर से कपड़े कट गए, कपड़ों में आग लग गई, या कोई इस तरह से ताला लगा हुआ है किसी अटैची को, किसी अलमारी को, उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है गायब होगी। तो ऐसे रहस्यमय जो है वो किस्सों को हमने बहुत सारा सुलझाया और सुलझा रहे हैं।
जैसे खून के छींटे गिरने घर में अंदर, अचानक खून के छींटे गिरने लग जाते हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ता भी कहाँ से आए कैसे आए ये, या घर में पत्थर जो आने शुरू हो जाते हैं, जैसे वृक्षों में कई बार दूध निकलना शुरू हो जाता है, या मूर्तियों का दूध पीना, या जैसे पिछले समय में एक काफ़ी प्रचलित हुआ था, पूरे देशव्यापी प्रचलित हुआ था कि लोगों की चोटी जो थी, औरतों की जो चोटी थी वो अचानक ही कट जाती थी वो, तो वो सभी चीज़ों को तरसिल छोटी पंजाब जो है उसका सही विश्लेषण करती है और उसको लोगों को बताती है कि असल में इसके अंदर में कारण क्या काम कर रहा है। तो 1974 में डॉक्टर कावर ने और उनकी पत्नी श्रीमती अक्का कावर ने अपना जो मृतक शरीर था वो जांच के लिए, डॉक्टरी जांच के लिए मेडिकल कॉलेज को दान दे दिया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तर्कशील छठी पंजाब ने भी अब तक उसको आगे जारी रखा, डॉक्टर कावर की इस मुहिम को, जो उन्हें शरीर दान देने की मुहिम थी इसको जारी रखा, और अब तक सैकड़ों आंखें दान दी जा चुकी हैं। और जो सैकड़ों जो है, मतलब बहुत सारी जो शरीर बॉडी है, शरीर की मृतक शरीरों की बॉडी है, वो मेडिकल कॉलेजों को दान दी जा चुकी है, और बहुत सारे शरीर के अंग जो हैं वो मेडिकल कॉलेजों को दान दिए जा चुके हैं और हम लगातार उनको दे रहे हैं और शरीर दान भी कर रहे हैं। तो उनके जो विचार हैं, डॉक्टर कावरू के जो विचार हैं, वो हमेशा हमारा जो है मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ये थे डॉक्टर इब्राहिम टी कावरू के बारे में जानकारी, और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर दिन आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और लास्ट में एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, अंधविश्वास त्यागो और जिंदगी में आगे बढ़ो। नमस्कार।